देश में कोरोना के 14,348 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 805 लोगों की मौत। प्रियंका गांधी ललितपुर से पाली रवाना, एमपी के दतिया जाकर करेंगी पीताम्बरा पीठ के दर्शन। दिल्ली के रोहिणी में मुठभेड़, एक बदमाश ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल। अमित शाह का लखनऊ दौरा, 2022 चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। बिहार से आरा में टहलने निकली चार महिलाओं को अज्ञात वाहनों ने रौंदा, लोगों ने किया चक्का जाम। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। मिशन 2022 में जुटी बीजेपी को जीत का मंत्र देने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं, जहां वो पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसे नाम दिया गया है मेरा परिवार बीजेपी परिवार। सुबह तकरीबन 11 बजे अमित शाह एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सबसे पहले उनके स्वागत का कार्यक्रम एयरपोर्ट पर रखा गया है। एयरपोर्ट सीधे अमित शाह वृंदावन योजना में डिफेंस एक्सपो मैदान पर पहुंचेंगे, जहां भव्य मंच तैयार किया गया है। ২০২২ चुनावों को लेकर तैयारियां तेज है और खुद जीत का मंत्र देने के लिए सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह उत्तर प्रदेश के लखनऊ आए हैं और लखनऊ पहुंचने ही वाले हैं, जहां पर सबसे पहले उनका स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर पहुंचते सबसे पहले भव्य स्वागत किया जाएगा, उसके बाद वो डिफेंस एक्सपो जाएंगे वृंदावन मैदान में और इसके बाद कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। तो एयरपोर्ट से सीधा अमित शाह वृंदावन योजना में डिफेंस एक्सपो मैदान पहुंचेंगे, जनता के बीच मौजूद रहेंगे, जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आएंगे, साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। 2022 में विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते तैयारियां तेज है और यूपी में खासतौर से तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि यूपी एक सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ जो सत्ता में पहुंचता है, ऐसा कहा जाता है कि वो दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए अपने रास्ते खोल देता है। तो दिल्ली तक जाने के लिए एक बार फिर दरवाजे खोलने जरूरी है, जिसके लिए यूपी का चुनाव काफी अहम है। तो सभी की निगाहें यूपी पर हैं और यूपी के लिए बीजेपी की तैयारियां भी जोरों पर हैं, जहां मुख्यमंत्री जनता को कई सौगातें दे रहे हैं, जनता की भलाई के लिए नई नई योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। तो वहीं कई बड़े नेता भी उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरते हुए नजर आएंगे, जहां पीएम मोदी भी लखनऊ आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी पहुंच चुके हैं और जनता से संवाद कर चुके हैं। बीजेपी के साढ़े चार साल के कार्यों को गिना चुके हैं और अब बीजेपी का जो ये वक्त है वो काफी अहम है, क्योंकि इस वक्त तैयारियां हैं चुनाव की और चुनावी तैयारियों में बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक हो या फिर बड़े बड़े कद्दावर नेता हो, वो पीएम मोदी क्यों ना हो, वो चुनावी भूमि पर जरूर उतरते हैं और ऐसा ही माहौल अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आज अमित शाह भी लखनऊ आ रहे हैं और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, अमित शाह आज लखनऊ आ रहे हैं तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अमित शाह बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी राजनीति बहुत बड़े हिस्सा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर केंद्र की राजनीति की बात करें या उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो इनका बहुत अहम योगदान भी रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 2019 में भी इनके द्वारा ही बेहतर रणनीति बनाई गई थी, जिससे 64 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की खेमे में पक्ष में आई थी। तो देखा जा रहा है जिस तरह से आज के समय में जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, उसको देखते हुए अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा है। उनके साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी है जो कल आ गए थे, इसके अलावा चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर भी पहुंच चुके हैं। तो एक बैठक भी होनी है और सबसे पहले आपको बता दूं कि लखनऊ में जो उनका भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो सदस्यता अभियान है उसकी शुरुआत भी की जाने में, अब बता दूं उत्तर प्रदेश में अब तक भारतीय जनता पार्टी के 2,30,00,000 सदस्य है। अब अमित शाह के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है कि इन्हीं 3 महीनों के अंदर, इन्हीं चुनावी समय के अंदर आपको कम से कम
1,70,00,000 सदस्य और बनाने हैं। तो इसी सदस्यता अभियान की आज शुरुआत की जा रही है, मैं आपको बता दूं, और इस कार्यक्रम का नाम है मेरा परिवार भाजपा परिवार। ये आपके मैदान में कार्यक्रम किया जाएगा, उसके बाद एक अन्य कार्यक्रम भी उनका रहेगा जिसमें वो कार्यकर्ताओं की बैठक भी करेंगे और एक अंत्योदय को साकारकर्ता उत्तर प्रदेश की पुस्तक नामक पुस्तक का विमोचन भी उनके द्वारा किया जाएगा। इसके बाद माना जा रहा है कि अमित शाह प्रदेश कार्यालय में भी जाएंगे और वहां पर जो प्रभारी चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान है, अनुराग ठाकुर है, इसके अलावा जो प्रदेश कार्यालय के नेता है, विधायक है, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सबको बुलाया गया है और रणनीति बनाई जानी है कि 2019 के चुनाव को कैसे फतह किया जाए। चुनावी माहौल है, अमित शाह लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा, तो उस वक्त कौन कौन एयरपोर्ट पे मौजूद रहेगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, सुखदेव सिंह, ब्रजेश पाठक जैसे बड़े नाम वहां पर रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जो कल लखनऊ आ गए थे वो भी वहां पहुंचेंगे और अमित शाह का स्वागत करते नजर आएंगे। उसका डिफेंस एक्सपो मैदान में प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद अमित शाह लगभग 2 बजे के लगभग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आएंगे, उन पर उनका कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद उनकी कई बैठकें प्रदेश कार्यालय में रहेंगी जो की पूर्व विधायक पूर्व सांसदों के साथ प्रदेश के पदाधिकारी के साथ रहेंगी जो की 2019 के 2022 के चुनाव के लिए रोडमैप तैयार करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने दीप उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मेले में राज्य मंत्री लाखन सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर दीप उत्सव में कहा, मानो राम जी का जन्म हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस समय की दीर्घकाल से प्रतीक्षा थी वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीते वर्ष 5,00,000 दीपक जलाकर दीप उत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ था। इस उत्सव में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मोबाइल भी भेंट किए गए। प्रदेश सरकार की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश में दीपावली दीपोत्सव मेला का आयोजन किया गया है, दीपावली तक चलेगा और आज इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये दीपोत्सव मेला है क्योंकि हमारे प्रदेश में अयोध्या से शुरू होगा, अयोध्या का भी उद्घाटन हो गया है और ऐसा लगता है कि काफ़ी दीर्घ काल से जो चला आ रहा था, जैसे अयोध्या में राम ने जन्म लिया हो इस प्रकार के उस उत्सव को, मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है और उसके उपलक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन किया गया है। इसका आज उद्घाटन औरैया जनपद में औरैया नुमाइश ग्राउंड में मेले का आयोजन किया गया है। चंदौली के बिछिया धरना स्थल पर स्वच्छता ग्राहियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं स्वच्छता ग्राहियों ने बताया कि उन्होंने ईमानदारी और लगन से अपने कार्य को करते हुए ग्राम पंचायतों और ब्लॉक को खुले में शौच से मुक्त कराने में अहम भूमिका रही है और शासन द्वारा ODF होने का रिकॉर्ड भी जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त हो चुका है। साथ ही स्वच्छता ग्राहियों को प्रति शौचालय ₹150 और प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 जो प्रत्येक स्वच्छता ग्राही को दिया जाना था वो भी अभी तक नहीं मिला है। बहुत सालों से हमारे स्वच्छता ग्राही लोग जो है पीड़ित हैं और कई बार इनका ज्ञापन भी लोगों को जिलाधिकारी महोदय को, DPRO महोदय को, CDO महोदय को दे चुके हैं और इनको अभी तक मानदेय नहीं मिला है। प्रोत्साहन राशि 10,000 है और 150 रुपया प्रति शौचालय का है, इनको अभी तक नहीं मिला है जबकि शासन द्वारा धनराशि निर्गत हो चुकी है और DPRO के यहाँ फाइल दबा के रखी है। सर पिछले 4 साल से स्वच्छता ग्राहियों का बकाया मानदेय रुका हुआ है जो कि इतने परेशानियों से स्वच्छता ग्राही अपनी ड्यूटी अपनी बेखूबी से निभाए और उसका आज तक मानदेय नहीं मिला, इसीलिए पूरे स्वच्छता ग्राही आज धरने। मैनपुरी के विकास खंड न्याय पंचायत बझेरा में मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में न्याय पंचायत के कई विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी सर्वेश यादव द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में दौड़, कुश्ती, कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन किया गया।
छोटे कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीआईसी मैदान पर नगरपालिका मिर्जापुर द्वारा भव्य दीपावली मेले का शुभारंभ किया गया। मेले की शुरुआत मंझवा विधायक के साथ नगरपालिका अध्यक्ष ने फीता काटकर की। विधायक ने कहा कि इस मेले के माध्यम से रेहड़ी पटरी के दुकानदारों, महिलाओं और छोटे कारीगरों को आत्मनिर्भर बनने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। भव्य दीपावली का मेले का उद्घाटन किया गया है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं या जो हमारे समूह की महिलाएं हैं, ऐसे लोगों को हम लोग आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के माध्यम के लिए हम लोगों ने इस मेले का आयोजन किया है। इसमें सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं से लेकर के और अपने जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, समूह की महिलाएँ हैं एवं जो हमारे लघु उद्योग के लोग भी हैं, उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं। रायबरेली में किसानों के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जगतपुर थाने का है, जहां वृद्ध किसान पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या की वजह मामूली कहासुनी बताई जा रही है। गांव निवासी शेख गुलाम मोहम्मद घर से निकलकर अपने खेत जा रहे थे। इसी दौरान गाँव के स्कूल के पास रहने वाला अभिषेक किसान की मुलाकात हुई। इस दौरान शेख गुलाम मोहम्मद और अभिषेक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद शेख ने वृद्ध किसान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में वृद्ध किसान बुरी तरह जख्मी होकर गिर गया। इस बीच शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने किसान को अस्पताल पहुंचाया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। 2021 को थाना जगतपुर के अंतर्गत ग्राम चिचौली में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से प्रहार कर गांव के ही एक अर्धविक्षिप्त युवक अभिषेक और बगुआ पासी ने घायल कर दिया था, जिनको उपचार हेतु परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो किसानों पर अपराधों की कमी नहीं हो रही है। मामले कहासुनी में ही वृद्ध किसान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जहां शोर सुनकर इकट्ठा हुए मौके पर ग्रामीणों ने उसे यानी कि पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन घायल व्यक्ति ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो रायबरेली से एक खबर सामने आ रही है, जहां पे मामूली कहासुनी के बाद ही धारदार हथियार से हत्या करने का प्रयास किया गया और अस्पताल ले जाने वक्त घायल की रास्ते में ही मौत हो गई। वृद्ध किसान बताया जा रहा है जिसकी हत्या हुई है और अब पुलिस आगे की जांच में जुटी है। संभल के सरकारी इफको खाद केंद्र पर किसानों को खाद न मिलने पर चिंता जताई है। इफको केंद्र हयात नगर पर उस समय किसानों को निराशा हाथ लगी, जब सुबह से ही लाइन में लग रहे किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। किसानों का कहना है कि पहले आधार कार्ड को जमा कर लेते हैं, उसके बाद शाम को ये कहकर वापस कर देते हैं कि अब खाद खत्म हो गई है। आलू की फसल के लिए, खाद की फसल के लिए एनपीके की आवश्यकता पड़ने पर किसान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन भारी भीड़ के चलते खाद न मिल सका और किसानों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। नाम आपका? कहां से आए? कितना खाद लेना है आप? हमें 40 बीघा खाद चाहिए। अच्छा, तो कितना खाद मिल रहा है यहाँ से? अब पता पड़ा कितना दें, 2 एकड़ पर 2 कट्टे दे रहा है। एकड़ पर तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं 80 कट्टे मिल जाए हमारे लिए। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? हम खाद की मांग। संभल में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। संभल में सरकारी शराब की दुकानों से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां 2 दिन से लगातार एक्सपायर बियर की बिक्री की जा रही है। एक्सपायर बियर ओवर रेट का खुलेआम जुनावाई में खेल चल रहा है, वहीं इसको लेकर पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जहां एक्सपायरी शराब बेची जा रही है, एक्सपायरी बियर बेची जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
तो ये बड़ी लापरवाही सामने आई है संबल से आबकारी विभाग की, जहां पे धड़ल्ले से एक्सपायरी बियर और शराब बेची जा रही है। शराब की दुकान पे एक्सपायरी सामान बेचे जाने की ये घटना सामने आई है संबल से। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से एक्सपायरी सामान को बेचा जा रहा है, लेकिन आबकारी विभाग ने अभी भी इसकी सुध नहीं ली है और शराब माफिया धड़ल्ले से अपने इस काले कारोबार को कर रहे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से बेखौफ शराब व्यापारी एक्सपायरी शराब बेच रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संभल से मुबारक अली जुड़ चुकी है। मुबारक, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, इसके बाद क्या कोई एक्शन लिया गया है आबकारी विभाग के द्वारा और किस तरह से इस खबर की खुलासा हुआ है? आपको बता दूं, जनपद संभल में कई जगह ऐसा ही शराब मिली है और अधिकारी की मिली जगह चल रही है, इसमें इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी तरह जो महंगी ग्रेडों में दिया था 80 रुपए का सौ था, जो ब्रांड है उससे 70 रुपए का, और ऐसे कई बार मामले सामने आए, इस पर निगरान कोई कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई होती ही नहीं है। क्या इसकी शिकायत करी गई है आबकारी विभाग में? अधिकारी विभाग से कई बार बातचीत करी है और उस पर अंतरा कर देते हैं और बाइक देने के लिए भी इनकार कर देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संभल से मुबारक अली संवाददाता जुड़े थे। संभल के बबराला स्टेशन रोड पर एसडीएम ने दुकानों और गोदामों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध पॉलिथीन जब्त की गई और बाजार में लगे होल्डिंग्स भी हटवाए गए। एसडीएम की औचक कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने कहा, अतिक्रमण और अवैध रूप से बेची जा रही पॉलिथीन मिलने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। सरकार के आदेश है पॉलिथीन जो है वो बाजारों में बिल्कुल ना रहे और कोई भी गोदाम या कोई भी कहीं पे इस तरह की बिल्कुल मार्केट में ना रहे। इसी को लेके जो है पॉलीथीन के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और लगातार पॉलीथीन को दूर करना, पॉलीथीन पकड़ के जो है जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जो है आज गबराला में एक दो जगह सूचना मिली थी जहाँ पर बड़े पैमाने पर पॉलीथीन मिली है, 3 किलो पॉलीथीन वहाँ से जब्त की गई। प्रतापगढ़ के रामपुर खास पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। इस दौरान यात्रा में कांग्रेसी समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस यात्रा का समर्थकों ने फूलों की बारिश के साथ जोरदार स्वागत किया। जगह जगह समर्थकों ने प्रमोद तिवारी का भव्य स्वागत किया। प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए प्रमोद तिवारी ने रामपुर खास विधानसभा में अपना सियासी शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रतापगढ़ से अमेठी के लिए रवाना हो गई है कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। यात्रा प्रियंका जी ने इसको प्रारंभ किया है, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। हम उनके 8 संदेश 8 वचन लेकर निकले हैं। मिर्जापुर, बनारस, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज और प्रतापगढ़ शहर होते हुए आज यहाँ पहुँची और आज भी ये अमेठी चली जाए। मैं यही कह सकता हूँ कि आज लगभग आप लोगों ने अपनी आंख से देखा होगा 3-4 किलोमीटर लंबा जो मोटरसाइकिल का जुलूस था, लगभग 5-7 हज़ार मोटरसाइकिल से ज़्यादा रही होगी। ये सिर्फ एक ब्लॉक का था, सांगीपुर का अलग से वो अपनी सीमा पर रिसीव करेंगे। तो अगर आप देखें तो 10 से 15 हज़ार मोटरसाइकिलों के साथ जिस तरह स्वागत हुआ है। लखनऊ के विभूति खंड गोमती नगर स्थित डीएलएफ मायपैड में दिवाली के अवसर पर हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जो 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगी, जहां से लोग दिवाली की खरीदारी सही दामों पर कर सकते हैं। इस दिवाली में हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन को वीवाईएस ने प्रेजेंट किया है, तो वहीं इवेंट लोप ने इसे मैनेज किया है। वहीं इस कार्यक्रम में विदेशी मेहमान भी आए थे और आइए आपको सुनाते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर ने क्या कुछ इसके बारे में जानकारी दी है। तो हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है डीएलएफ मायपैड में और तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितना शानदार प्रदर्शनी लगाई गई है। भव्य स्वागत की तैयारियों के साथ ही यहां पे तमाम चीजें उपलब्ध हैं, जिसमें लोगों की सुविधा के अनुसार और साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए चीजों का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लोग सही दामों पर और अच्छी चीजें
सही दाम पे पा सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें ताइवान से ब्रांड अम्बेसडर भी आए थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसकी ओपनिंग की और साथ ही यहाँ पे कई स्टॉल्स देखने को मिली हैं। और ये कार्यक्रम अभी 2 नवंबर तक यानी कि दिवाली तक चलेगा और इस कार्यक्रम में कई चीज़ें मुहैया कराई जा रही है, जैसे आप अपने घरों में सजाने के लिए फाउंटेन से लेके छोटे छोटे पॉट्स तक उपलब्ध हैं। साड़ियों की बात करें तो बनारसी साड़ी भी उपलब्ध है, तमाम चीजें ऐसी उपलब्ध हैं जिनकी खरीदारी खास तौर पर दिवाली पे की जाती है। हम मौजूद हैं डीएलएफ एग्जीबिशन में जो कि यहाँ पे गोमती नगर में आयोजित की जा रही है। ये हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए एग्जीबिशन खास तौर पे लगाई गई है। आज का ये हमारा फर्स्ट डे है, इनॉग्रेशन था, इसमें हमारे चीफ गेस्ट हमारे ताइवान के एम्बेसडर मिस्टर बाउशान जड़ जी थे, उनके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर भी आए थे और हिमालयन कल्चरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पे आए थे उस एग्जीबिशन में। तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही वो लोग आके इसका एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करके गए हैं। इसमें आप सबसे मेन चीज़ क्या है, मतलब किस चीज़ को आप बढ़ावा देना चाहते हैं इस एग्जीबिशन के जरिए? देखिए, ये जो एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन जो क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया है, जो हमारे इंडिया में अलग अलग, जैसे मुरादाबाद का पीतल है, भदोही की कालीन है, या रिसाइकल्ड पेंसिल है, या बरेली है, बनारस की साड़ी है, मऊ की साड़ी है, तो वो सारे आर्टिज़न लोग यहाँ पे आए हैं और अपना प्रोडक्ट उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। हमारा इस एग्जीबिशन का पर्पस खाली ये होता है, एक तो कोविड टाइम में जो है लोगों के पास से मार्केट एकदम ख़त्म हो गई, बायर टूट गए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड की चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो दोबारा से एग्जीबिशन स्टार्ट हो रही है, उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देना हमारा पर्पस है कि उनके प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले हो। दिवाली से अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बायर आएंगे, अच्छा वेन्यू है, प्राइम लोकेशन है, तो उनके प्रोडक्ट्स की अच्छी सेल होगी, यही हमारा मकसद है। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं जहाँ पे एग्जीबिशन लगी है, दिवाली के खास अवसर पर इसका आयोजन किया गया है और खास बात ये है कि 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यानी कि दिवाली के मौके पर आयोजित की जा रही है, जो इसकी टाइमिंग है 2 बजे से रात 10 बजे तक, यानी कि आम जनता यहाँ पे पहुँच के शॉपिंग कर सकती है और अच्छे रीजनेबल रेट्स पे। इनमें क्या कुछ खास है? देखिए, ये मशीन क्या है कि एक तो न्यू जनरेशन को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है वो सिलाई मशीन से काफ़ी दूर भाग रही है, उन्हें लगता है कि जो ट्रेडिशनल मशीन आती थी वही मशीन आज भी चल रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि उषा ने इतनी खूबसूरत और ऑटोमेटिक मशीन लाई है जिसको 8 साल से लेकर के अपर क्लास तक के लोग मशीन को यूज कर सकते हैं। जो कि मैम यहाँ बैठी है, मैम को सबसे अच्छा फीचर क्या लगा? ऑटो थ्रेडिंग सिस्टम। इस मशीन में सुई में धागा लगाने की सुविधा है। बहुत से लोगों को समस्या होती है, जनरली एक आफ्टर एज के बाद भी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो धागा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन उषा ने जो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन की रेंज लाई है तो उसमें सिलाई, पीको, जिगजैग, इंटरलॉक, मल्टीपर्पज़ काम घर में बैठे कर सकते हैं। और उषा 2 डेमो फ्री दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ प्री सेल डेमो की सुविधा है, जो लोग अगर मशीन देखना चाहते हैं ख़रीदने से पहले, उसके लिए भी कंपनी ये प्रयास कर रही है कि लोगों के बीच में जाए और उसको इन चीज़ों के बारे में जानकारी दे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।